ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो हमारा कॉक्सकॉम का है। तो कॉक्सकॉम एक ऐसा प्लांट है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा होता है, लोग इसे कॉलियस समझ लेते हैं पर ये कॉलियस प्लांट नहीं होता इस, क्योंकि जब ये ग्रोथ करता है ना तो इसकी लीफ क्या होती है थोड़ी सी शेडेड होती है, जैसे ये वाली देखिए ग्रीन और रेड के पैटर्न में होती है, तो ये कॉलियस समझते हैं काफ़ी लोग इसे, पर ये कॉलियस नहीं होता, ये उससे अलग ही होता है। ये कॉक्सकॉम की तरह होता है, मतलब जो मुर्गा होता है उसकी कलगी की तरह होता है। देखिए इसके जो फ्लावर होते हैं ऐसा लगता है जैसे कलगी हैं, और देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं, मेरे हाथ जितना इसका एक फ्लावर है, और ऐसा लगता है जैसे वेलवेट नहीं होता, वेलवेट जैसे इसके फ्लावर होते हैं, और ठीक इसके नीचे ये छोटे छोटे पोर्शन है, इसमें इसके बीज होते हैं, देखिए ये। तो कॉक्सकॉम जो प्लांट है ना ये काफ़ी मतलब एक बार ही आपके गार्डन में आ गया ना तो ये मुझे नहीं लगता कभी जाने वाला है। ये एक नॉर्मल से पॉट में 12 इंच के पॉट में मैंने 3-4 पेड़ लगा रखे हैं, क्योंकि जब इसके सीड्स अभी ये फरवरी तक ऐसे खिले रहने वाले, अभी ये अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने इसके फ्लावर ऐसे ही खिले रहने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस ये कि जैसे जैसे विंटर बढ़ेगी इसकी लीफ गिरने लगेंगी और लास्ट में आते आते इसका सिर्फ फ्लावर बच जाएगा, और फ्लावर के बाद इसके सीड्स काले काले चुलाई की तरह होते हैं वो गिरने लगेंगे और ये पेड़ मर जाएगा, या मरेगा नहीं तो मतलब उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि तब तक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। पर इसके सीड्स इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ना, मतलब किस किस पॉट में गिरेंगे आपको आइडिया नहीं होगा, अब मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, अगर मैं किसी पॉट में उगरे होंगे तो, अभी मेरे किसी पॉट में उग नहीं रहे, देखिए मैं कह रहा था ना, नहीं इसमें भी नहीं है, पर ये ज़िद्दी होता है बहुत ज़्यादा प्लांट ना। ये देखिए मैंने छोटे से पॉट में भी ग्रो किया, 6 इंच का पॉट है ये, और 6 इंच के पॉट में भी देखिए, 6 इंच का पॉट है और 6 इंच के पॉट में भी कितनी ज़्यादा ग्रोथ की हुई है, और इसमें फ्लावरिंग इसमें भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, देखिए कलर बड़े प्यारे होते हैं इसके, बड़ा सुंदर लगता है। इसका छोटे पॉट में है तो इसका फ्लावर का साइज़ छोटा है, और ये बड़े पॉट में है तो इसका फ्लावर का साइज़ अभी बड़ा है, अभी ये मतलब अभी तो ग्रोथ पे है, अभी आप आइडिया लगाना, अभी और बड़ा होगा, अभी ये सोचिए पूरा फ्लावर मेरे हाथ जितना, एक फ्लावर, और अभी सबके सबका यही हाल होने वाला है, देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है मेरे हाथ जितना ही फ्लावर हो रखा है, अभी देखिए कितना बड़ा हो रखा है। तो कॉक्सकॉम के साथ क्या है ना, कोई भी ऐसी स्पेशल फर्टिलाइज़र की इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ इसको पानी बहुत चाहिए, मतलब पूरी गर्मी जितना पानी से चाहिए ना मुझे लगता है किसी प्लांट को चाहिए, किसी प्लांट को आप एक बार दे सकते हो पर इसे 2 बार चाहिए, ये लटक जाता है, मतलब नीचे की तरह लटक जाएगा, तो ये बता देता है भाई मुझे पानी चाहिए। और इसके साथ फर्टिलाइज़र के साथ क्या आएंगे ना, फर्टिलाइज़र मैंने इसे प्रॉपर फर्टिलाइज़र में ही लगा रखा है, इसमें 1% भी मिट्टी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा ना, एक ही पॉट में 4-5 पेड़ हैं, तो मुझे लग गया था कि मैं बार बार करूँगा नहीं इसको गुड़ाई वगैरह, क्योंकि रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं इसकी, आप इससे अंदाज़ लगाइए अभी कितना मोटा हो रखा है, ठीक है। और ये मिट्टी में ना मेरी उंगली भी नहीं जा रही, तो ये देखिए मर गया होगा कोई सा ना इसमें, तो उसी के हुआ है, तो इतना मोटा है ना ये बहुत ज़्यादा, तो इसमें है ना रूट वगैरह बिल्कुल रूट बाउंड हो रखा है, पर मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है ये सीजनेबल है, मर ही जाएगा अपना फरवरी में, तो अब जैसे विंटर शुरू हो गई तो इसके ना छोटा सा पेड़ भी होगा ना उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जो नीचे इस टाइम है, तो इसका ये है कि मैं फर्टिलाइज़र में मैंने एक ही बार दिया था, उसके बाद इसे सनलाइट भी जाए दो ना दो, मतलब शेडेड तो दे ही दो, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके सीड्स हैं ना ये जनवरी या फरवरी में बनने शुरू हो जाते हैं, और मैं हर साल थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ और रोड साइड ऐसे ही बिखेर देता हूँ, देखिए बर्ड पेड़ के पीछे ना बर्ड बड़ी सुंदर कूद रही थी अभी, यहाँ पर है ना बहुत बर्ड आती हैं, तो इसके सीड्स मैं तब कलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मेरे लास्ट ईयर मेरे घर पर गेस्ट आए थे तो वो सारे इसके सीड्स ले गए थे, क्योंकि उन्हें ये प्लांट बड़ा प्यारा लगा था। पर एक दो प्लांट है ना, मतलब आप सीड्स ना भी सेव करो तब भी ये प्लांट ऐसा आपके हर पॉट में कहीं ना कहीं से उग ही जाएगा, और आप है ना मतलब दर्द मतलब दुख भी होता है जब आप है ना बिना मतलब किसी पेड़ को उखाड़ के फेंकते हैं, पर आप ये थोड़ी है कि पेड़ को पूरे गार्डन में कर देंगे, आप ये समझ लीजिए कम से कम 500 से 600 पेड़ मैंने इसके उखाड़ के फेंके हैं, मैं इतना परेशान हो गया था इससे, तो फिलहाल तो अब उगने बंद ही हो गए हैं लगभग, मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पर यह कि ये प्लांट ऐसा है ना, इसे आप अपने गार्डन में जगह जूस दिए, इसके लिए ना एक ऐसा पॉट रखना जिसमें है ना सीजनेबल प्लांट रख सकें, मतलब जैसे विंटर के लिए अलग और समर के लिए अलग, तो एक दो पॉट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको सीजनेबल प्लांट रहें, परमानेंट ना रह के सीजनेबल रहें। तो कॉक्सकॉम के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कितने अच्छे फ्लावरिंग हो, थैंक यू।